नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप, मैं हूं रोहित शर्मा। ट्रैफिक पुलिस जम्मू सहित आज बीजेपी एसटी मोर्चा द्वारा जो है वेमॉल चौक के बाहर जो है यहां पर तमाम उन लोगों को हेलमेट वितरित की जा रही है जो लोग विदाउट हेलमेट यहां पर राइड करते नजर आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाया जाता है, हैवी चलानिंग की जाती है और अब कैमरास तक जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उसके बावजूद जो है वायलेशन देखी जाती है। बीजेपी एसटी मोर्चा की तरफ से आज जम्मू ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर जो है तमाम वायलेटर्स को हेलमेट जो है वो यहाँ पर वितरित की जा रही है। क्या नाम आपका? शौकत अहमद। हेलमेट क्यों नहीं पहनी थी आप? सर जल्दी में निकला है मैं। क्या कहना चाहोगे आज आपको हेलमेट दे रही है ट्रैफिक पुलिस, अक्सर चलान करती नजर आती है, कैसा स्टेप देखते हैं? बहुत अच्छा सबके लिए सेफ्टी है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा है क्योंकि हमारी खुद गलती है, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। आपका ये सेफ्टी जो है सेफ्टी याद रहने के लिए होती है, किस लिए? मतलब अब आयदा कुछ भी पहनना, वो जो अपने पीछे बैठाओगे उससे उसको भी पहनना, ठीक है? सेफ्टी है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तरफ से तरह से ही इसको देखना चाहिए और लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हेलमेट को, उनको रोक के एजुकेट किया जा रहा है और हेलमेट प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखें, अपना भी और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। क्या कहेंगे सर, अभी भी कुछ लोग जो है आप सामने भी दे सकते हैं वॉयलेशन करते नजर आ रहे, रुकवाया जा रहा है, हालांकि चलान के बजाय आप हेलमेट जो है वो दे रहे हैं, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं? नहीं, अब लोग काफ़ी आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं और हेलमेट ले रहे हैं और लोगों में काफ़ी ये जागरूकता पैदा हो रही है कि भाई हेलमेट जो है हेलमेट लगाना अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा उसका जिम्मेवारी उन्हीं पे है और वो देख रहे हैं आप, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी इसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, अवेयरनेस भी की गई है, चलानिंग भी की जा रही है, उसके बावजूद लोग कुछ लोग हैं काफ़ी हद तक जम्मू की जनता समझ चुकी है, पिलियन राइडर्स भी हेलमेट पहन रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो हेलमेट बांटी जा रही है फर्दर, काफ़ी अराउंड 90-95% अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों में जनरेट हुई है और आप देखिए सीट बेल्ट, मोबाइल का यूज़, रेड लाइट जंपिंग जो होती है, ओवर स्पीडिंग, ये काफ़ी हद तक तकरीबन नेग्लिजिबल हो गई है। ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट वेयरिंग भी कम हो गई है, सब लोग पहन रहे हैं आज और ये एक उसी सिलसिले का एक कदम है और जिससे कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इससे और भी ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और आगे अपनी सुरक्षा का और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज है लेकिन विदाउट हेलमेट जो है वो बाहर निकले थे, हेलमेट दी जा रही है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। प्रीतम जी आप तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी लंबे समय से आप ड्राइव कर रहे होंगे, आज भी विदाउट हेलमेट आप चल रहे हैं, क्यों चलते हैं विदाउट हेलमेट और क्या कहना चाहेंगे जो स्टेप आज यहाँ पर लिया गया? ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी बात है और जो भी तकरीबन जो भी हमारे पास विजिबल वायलेशन हैं जो भी हमको उसमें नजर आ रही है उसमें पकड़ा, जैसे अभी ये गाड़ी इन्होंने नंबर मोटरसाइकिल का जो है नंबर हाइड किया था, हाँ, तो अभी इनको भी इसको इनके पास हेलमेट थी वो हमने हेलमेट प्रोवाइड की, इससे पहले हाइड किया हुआ, हाँ हाइड किया हुआ था, तो इसलिए इनको यहाँ पे रोका और अभी इनके बाकी डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि इन्होंने हाइड क्यों किया था विदाउट हेलमेट। चलानिंग की वजह से शायद हो सकता है कि इसकी, हाँ माइट भी, देखो ये चलानिंग की वजह से या जो स्टैंड बाइक्स यूज़ करते हैं उसकी किसी को ये कभी कहीं हिट कर दें, हम किसी के कैमरे में उसमें मतलब पुलिस के रडार में ना आए, उसकी वजह से भी हो सकता है। सर इस एरिया में स्टंटबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर ट्रैफिक विभाग यहाँ पे हमारे तकरीबन हमारे एक दो बाइक्स हमने रोज, ये डी टी साहब भी हैं, हमने यहाँ पे दो तीन चार पाँच जितनी भी बाइक्स हमको मिलती है हमने पकड़ी होती है इस रूट पे। आप क्या सीज कर रहे हैं बाइक? नहीं अभी इसके देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देख के जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कमी पेशी होगी या कुछ किस लिए इसका मोड ऑफ अप्रेंडी क्या थी साइड करने की वो सब फाइंड आउट करेंगे। मैं भी बोल रही हूं ना, विदाउट हेलमेट आप चल रहे हैं, जान ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगती आपको क्योंकि आज तो ये हेलमेट बना रहे हैं, पहन रहे हैं, आप आगे से पहनेंगे हेलमेट या? हाँ हाँ आगे से पहनेंगे, एक्चुअली हम मेरा कल मैं जीएमसी बख्शीनगर गया हुआ था, उधर मेरी चोरी हो गई थी तो आज मुझे मिल गई, आई एम थैंकफुल फॉर दिस डिपार्टमेंट। बीजेपी एसटी मोर्चा के सदस्य हमारे साथ आपसे बात करेंगे, काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव आज आपकी तरफ से लिया गया है, कैसे मन में आया कंसेप्ट कि लोगों को आज हेलमेट जो आप? सर ये हम हर साल हेलमेट डोनेट, पिछले साल भी हमने 50 हेलमेट डोनेट किए थे, हमारी कोशिश आगे भी यही है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हेलमेट डोनेट करें। आप देखते हो रोज़ के कितने एक्सीडेंट होते हैं बिना हेलमेट के लोग चलते हैं, हेलमेट उन लोगों की सेफ्टी है,
जी तमाम वो वायलेटर्स जो कि विदाउट हेलमेट चलते हुए नजर आ रहे थे उनको यहाँ पर आज हेलमेट वितरित की गई, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों को लेकर अवेयर भी करवाया गया। अब कहने के दायित्व आम जनता को भी बनता है, यदि इस प्रकार का इनिशिएटिव ट्रैफिक पुलिस ले रही है, ट्रैफिक विभाग ले रहा है, बीजेपी एसटी मोर्चा ले रहा है, तो आप भी लोग जो है कहने के जब घर से निकले तो हेलमेट जरूर साथ लेकर निकलें। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।